हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल हेल्प चैनल में आप सभी को स्वागत हो। मैं उत्तम विश्वास। दोस्तों, घर में जो इलेक्ट्रिकल मेन डीबी रहता है, ये मेन डीबी का वायरिंग या डिविडेसिंग कैसे करना है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये है हमारा मेन डीवी बॉक्स। डीवी बॉक्स का मिडिल में ये चैनल है, जिसके ऊपर हमको ये आरसीसीबी और ये एमसीबी को ठीक से बैठाना है। और ये है न्यूट्रल टर्मिनल, डीवी बॉक्स का अंदर में ही है। ये है अर्थिंग टर्मिनल, इसमें हमको अर्थिंग का वायर जोड़ना है। न्यूट्रल टर्मिनल में न्यूट्रल का वायर जोड़ना है। फ्रेंड, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। तो देखिए दोस्तों, मेन डीबी में एक डबल पोल का आरसीसीबी और चार सिंगल पोल एमसीबी मैंने सेटिंग कर दिया। अभी इसको कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो आरसीसीबी या ईएलसीबी क्या काम करता है, ये एमसीबी क्या काम करता है, क्यों हमारा घर में इसको लगाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा जो एनर्जी मीटर है, इसमें टोटल चार टर्मिनल रहता है। ये दो टर्मिनल है इनपुट टर्मिनल और ये दो टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल। ट्रेंड इलेक्ट्रिकल पोस्ट से इलेक्ट्रिकल पावर हमारा एनर्जी मीटर का जो इनपुट टर्मिनल है उसी में जॉइंट होता है। उसके बाद एनर्जी मीटर से जो आउटपुट टर्मिनल है उसी से फेज कनेक्शन निकल के हमारा रूम का जो एमडीबी का आरसीसीबी है उसी का ऊपर का टर्मिनल में जॉइंट होता है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो आरसीसीबी का ये जो नीचे पॉइंट है, ये नीचे पॉइंट से पावर क्या होगा, हमारा एमसीबी में आएगा। अभी ये जो चार एमसीबी है, चारों एमसीबी को हमने क्या किया, क्योंकि ये सिंगल फेज है इसलिए लूपिंग कर दिया। अभी ए एमसीबी से पावर ए एमसीबी में आया, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, पावर एमसीबी का नीचे आ गया। और दोस्तों, ये देखिए हमारा चार एमसीबी है, चार एमसीबी में हम लोग चार रूम, तीन रूम का और एक मोटर का कनेक्शन किया है। तो पहले नंबर का जो रूम है वो एक नंबर एमसीबी से पावर निकल के ये एक नंबर रूम का स्विच में है। दो नंबर एमसीबी से ये पावर निकल के दो नंबर रूम का स्विच में आया। सेम टू सेम तीन नंबर स्विच में भी ऐसे ही एमसीबी से पावर आया। चार नंबर में भी, चार नंबर में तो हम लोग मोटर में कनेक्शन दिया, ये मोटर में कनेक्शन आया। अभी जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये पावर हमारा ये स्विच में चला जाएगा। अगर एमसीबी बंद रहेगा तो ये पावर स्विच में नहीं जाएगा। फ्रेंड, ये जो न्यूट्रल वायर है ये इलेक्ट्रिकल पोल से आके हमारा जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर का इनपुट टर्मिनल में आता है, ज्वाइन होता है। उसके बाद ये जो एनर्जी मीटर का आउटपुट है वहां से ये न्यूट्रल पावर निकल के हमारा हाउस का जो मेन डीबी है वो मेन डीबी का आरसीसीबी या ईएलसीबी का ऊपर का पॉइंट में आता है। वहां से
ये न्यूट्रल वायर आरसीसीबी का नीचे का पॉइंट से सीधा हमारा एमडीबी का जो न्यूट्रल टर्मिनल बार है उसी में जुटता है। उसके बाद हम लोग जो चार रूम तीन रूम और उसके बाद हम लोग जो तीन रूम और एक मोटर का कनेक्शन लिया है उसमें फेस कनेक्शन तो हम ले लिया। अभी ये न्यूट्रल बार से फर्स्ट रूम में देखिए एक वायर जाके फर्स्ट रूम का स्विच में जुड़ गया। ऐसे ही न्यूट्रल बार से सेकंड रूम का स्विच में भी न्यूट्रल वायर जुड़ गया। सेम टू सेम थार रूम में भी न्यूट्रल वायर हमने दे दिया और ये जो एमडीबी का न्यूट्रल बार से ये एक न्यूट्रल वायर मोटर का जो टर्मिनल है उसमें हमने जोड़ दिया। अभी दोस्तों हमारा तीनों रूम और एक मोटर तीनों रूम का फेज और न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। मोटर का भी फेज न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अभी हमारा ओनली अर्थिंग पॉइंट वायरिंग करना बाकी है, वो भी हम आपको इसी ड्राइंग में करके दिखाते हैं। हमारा जो घर का साइड में कोई अर्थिंग पॉइंट रहता है वहां से हमारा अर्थिंग एमडीबी का अर्थिंग बार में जो एमडीबी का अंदर में है उसमें आता है। वहां से हम लोग ग्रीन कलर का वायर से अर्थिंग को वायरिंग करते हैं। ये देखिए हमारा जो फर्स्ट रूम है ये अर्थिंग यहाँ से यह हमारा फर्स्ट रूम में आ गया और हमारा जो सेकेंड रूम में वो अर्थिंग बार से अर्थिंग टर्मिनल से ये देखिए हमारा सेकेंड रूम में भी अर्थिंग चला गया। तीसरा रूम में भी सेम टू सेम एमडीबी का अर्थिंग बार से अर्थिंग चला गया। मोटर में भी अर्थिंग बार से अर्थिंग चला गया। तो दोस्तों मैंने ड्राइंग बना के आपको एकदम इजीली समझाने की कोशिश किया कि आपको दिखाने की कोशिश किया कि कैसे एमडीबी का डीबी डेसिंग करना पड़ता है यानी हम लोग कर सकता है। और ये वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको दिखाया ऐसा और भी नया वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बना के दिखाऊंगा। इसके लिए मेरा जो सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाना।